हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और होली की तैयारियां कर रहे होंगे। तो सोचा यार, आप सब तैयारियां कर रहा हो तो मैं भी कर लूँ थोड़ी। और मैंने आज ये सोचा कि यार, बचपन से छोटी छोटी पिचकारियां चलाते आ रहे हैं और आज कुछ बड़ा करते हैं। इस बार होली स्पेशल तरीके से मनाते हैं, उसके लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने लगाया कि पिचकारियां हमेशा चलाते हैं, आज चलाते हैं बड़े वाले स्प्रिंकलर। कौन से वाले? वो वाले। ठीक है, समरिया दिख गए ना आपको? उम्मीद करता हूँ दिख रहे हैं, लेकिन इतने क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे। ये स्प्रिंकलर आज अपन चलाने वाले हैं कलरफुल। कलरफुल चलाने के लिए क्या होगा यार, इतना बड़ा मतलब ट्यूबवेल से तो रंगीन पानी आएगा नहीं। बात तो सही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा कच्चा फार्म पॉन्ड बना के और उससे स्प्रिंकलर चलाया जाए और इस धरती को भी होली का एहसास दिलाया जाए। तो चलिए आज अपना काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ नया सा। तो गाइस, फाइनली अपना बॉर्डर जो बन के तैयार हो गए हैं और अभी क्या करना है, इसको खोद के बनाना है फार्म पॉन्ड। तो मेहनत लगने वाली है यार, तो एक लाइक कर देना और धूप भी खूब है तो पसीने वाला काम है। आज जम के लाइक कर दो यार। Two hours later. तो भाई यार, इतने तक तो हमने कर लिया, हालत खराब हो गई। सूर्यदेव अपने चरम पे है, बहुत गर्मी है। तभी अपना 70% काम हो चुका है कंप्लीट, बाकी का कंटिन्यू और थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेंगे बीच में। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, धूप बहुत है। लाइक करना यार। तो गाइज, फाइनली जो अपना पुल था वो बन के तैयार है। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमें कड़ी मेहनत करने के बाद ये तैयार हुआ और बहुत शानदार तैयार हुआ है यार। एकदम मजा आएगा अभी इसमें पानी भरने वाले हैं। ये हमने यहाँ पर सारा सेटअप भी कर दिया है, जैसे ये स्टार्टर हो गया है इस पंप को चलाने के लिए, और ये हमने यहाँ पर डाल दिया है पंप, जिससे क्या है अपन बड़ी वाली पिचकारी और स्प्रिंकलर चलाने वाले हैं। और स्प्रिंकलर चलाएंगे अपन कलरफुल, 2-3 कलर में। तो यार मजा आने वाला, जम के लाइक कर देना यार और शेयर कर देना वीडियो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी पानी भरना स्टार्ट करते हैं। चालू कर दो भाई, चालू कर दो। तो गाइस, अभी पानी भर के अपना जो पुल है वो तैयार है और स्प्रिंकलर भी लग चुके हैं। और यार अभी 1 क्विंटल गुलाल भी अपना आ चुका है, तो अभी फटाफट इसमें डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं और स्प्रिंकलर चलाते हैं, फिर देखते हैं यार। एक लग तो ऐसा रहा कि जैसे रेनबो बन जाएगा यार, इतने सारे स्प्रिंकलर एक साथ कलरफुल चलेंगे। तो चलो देखते हैं जो भी होता है, क्या होता है या रेनबो बनता है या नहीं बनता है, या कितना मतलब क्या रहता है इसका एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, लेते हैं होली का आनंद। बिनू ठेक देते हैं। तो गाइस, हमने कलर मिक्स कर लिया और यार बहुत शानदार आ रहा है। वाओ, और अभी चलाने वाले स्प्रिंकलर, तो रेडी ऑन करो भाई। ये है यार रंगीन कलरफुल स्प्रिंकलर। वाओ यार, शानदार आ रहा है। आ गई भाई बड़ी वाली पिचकारी, कैमरामैन साइड में आ जाओ। आ गई भाई अपने दूसरे कलर की पिचकारी।
यार आज का वीडियो अपना यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।